सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आ गया हूँ मैं एक और वीडियो लेकर। और गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोकेमॉन जर्नीस के एपिसोड नंबर 129 के बारे में, उसका टाइटल, उसकी समरी और एस वर्सेस लियोन के बैटल के बारे में बात करने वाले हैं। सो गाइस, अगर आप पोकेमॉन के फ़ैन हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, जो कि आप देखोगे ही शायद। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। सो गाइस, चलिए बिना देर करते चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, पोकेमॉन जर्नीस का एपिसोड नंबर 129 रिलीज़ होगा 21 अक्टूबर को, और 129 का एपिसोड का टाइटल है वो है फाइनल फर्स्ट टोरेंट। हाँ, और इसके जो समरी के बारे में बात करें तो लिखा है द फाइनल ऑफ द मास्टर टूर्नामेंट फाइनली बिगेन। मतलब जो फाइनल्स जो है, मतलब एस वर्सेस लियोन का, एस वर्सेस डांडे का, जो साथी से वर्सेस डांडे का जो बैटल है वो फाइनली बिगेन हो गया है। और एस वर्सेस लियोन की बैटल एक लेजेंडरी बैटल होने वाली है। और इसके आगे लिखा है सातोसिस एंथोसेस्टिक अबाउट हैविंग एन ऑफिशियल मैच अगेंस्ट डांडे। मतलब कि एस जो है वो, मतलब एस जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है लियोन से अपनी पहली ऑफिशियल मैच करने के लिए। और आपको लगा होगा कि पहले तो एस ने कर चुका है लेकिन वो ऑफिशियल नहीं थी, तो ये ऑफिशियल मैच पहला है और वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड ऑफ कोर्स होगा। वो वर्ल्ड चैम्पियन है। और आगे इसके बारे में लिखा है हु हैज़ ऑलवेज बीन हिज गोल। जो हमेशा से उसका गोल था, जो एक्साइटमेंट है क्राउड की, वो इसके पीक पर है। फॉर द मैच बिटवीन द एब्सोल्यूट चैंपियन डांडे एंड सातोसी हु हैज़ ओवरकेम ऑल ओड्स एंड रीचेस दिस फार। मतलब जो एक्साइटमेंट है क्राउड का, जो जनता यानी कि जो ऑडियंस है उसका जो एक्साइटमेंट है वो पीक पे है उसके, जो कि मतलब एस वर्सेस डांडे, मतलब एस वर्सेस सातोसी की बैटल होने वाली है। तो ऑफ कोर्स फाइनल बैटल है तो उनकी जो एक्साइटमेंट है वो पीक पर होगी ही। और उसके बाद में लिखा है इन द मिड ऑफ द, मतलब मिड्स ऑफ दिस डांडे केम अप विद अ प्रपोजल। मतलब बीच में जो डांडे है वो एक प्रपोजल देता है एस कैचम को। तो क्या ये प्रपोजल होने वाला है, क्या मतलब कोई एटर्नेटिक्स का यूज़ करने, मतलब एटर्नेटिक्स तो फिर वो लियोन के पास हो गया ना। नहीं नहीं तो क्या हो सकता है, शायद ऐसा हो सकता है कि एस और लियोन के, मतलब एस लियोन कह दे कि तुम जो है एक से ज़्यादा फिनोमेना यूज़ कर सकते हो, तीनों फिनोमेना यूज़ कर सकते हो, तो डेफिनेटली ये हो सकता है। लेकिन अब क्या होता है वो तो अब हमें एपिसोड में ही पता चलेगा। एज इज फॉर्मर कॉमरेड्स एंड राइवल्स वॉच, तो सभी जो है, मतलब एस के दोस्त राइवल्स जो हैं देख रहे होंगे, ऑफ कोर्स पोकेमॉन भी देख रहे होंगे। और आगे लिखा है दिस डिसीसिव बैटल फॉर द समिट बिगेंस। ये बैटल जो है शुरू हो जाती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरी हुई बैटल होने वाली है। और एस वर्सेस लियोन की बैटल जो है एक फाइनल बैटल होने वाली है और वर्ल्ड चैंपियन का पता चल जाएगा। और डेफिनेटली जिस तरीके से एस को रिप्रेजेंट किया जा रहा है और एस को दिखाया जा रहा है, डेफिनेटली एस कैचम जीत जाएगा, मुझे तो पक्का लगता है। और हमने प्रीव्यू में देखा था जैसे कि एस का मेगा लुकारियो और जिगेंटमैक्स चारिज़ार्ड के बीच में बैटल हो रही है और एस को काफ़ी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि जो मेगा लुकारियो है उसके पास डिसएडवांटेज रहेगा जिगेंटमैक्स चारिज़ार्ड का, क्योंकि उसके पास काफ़ी ऐसे मूव है जो वन टाइम फेंट कर सकते हैं, क्योंकि गेम्स में तो कर देंगे लेकिन एनीमे का कुछ नहीं कह सकते, और एनीमे में होगा भी नहीं ऐसा। एस कैचम जीत जाएगा। और मेगा लुकारियो देखा होगा कि आपने जाइंट ऑरा स्पेयर यूज़ कर रहा है और वो शायद कोई जी मैक्स वाइल्ड फायर या कोई मूव यूज़ करेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ओसम होने वाला है देखना। और लियोन के अपने कुछ पोकेमॉन होने वाले हैं, जैसे चारिज़ार्ड को वो यूज़ करेगा रिलवूम, और ये सब एजिसलेस को वो यूज़ कर सकता है। तो मतलब ये सब पोकेमॉन उसके होने वाले हैं और एस की वही नॉर्मल टीम उसकी होने वाली है। और जैसे कि आपको पता ही होगा एस का लुकारियो उसका मेन पोकेमॉन होने वाला है, एस का ड्रैगनाइट, एस का पिकाचू और एस का ड्रैकोविस भी काफ़ी मतलब मेन रोल निभाने वाला है इसमें। और साथ में एस कैचम के जो बाकी बचे पोकेमॉन है जैसे सरफेस और गेंगार वे भी अच्छा खासा रोल निभाएंगे। और अगर एस कैचम को मौका मिला तीनों यूज़ करने का तो डेफिनेटली वो हमें जी मैक्स गेंगार और साथ में पिकाचू का जी मूव भी हमें देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, एक्साइट मतलब काफ़ी ज़्यादा ओसम है। और गाइस, यही थी आज की वीडियो। और अगर आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा, एस जीतेगा या लियोन जीतेगा, कमेंट में ज़रूर बताना। और ये वीडियो मैंने इसी वजह से डाली क्योंकि मुझे वीडियो भी डालनी थी, क्योंकि अभी मुझे टाइम मिला था वीडियो डालने का, और अब मैं कोशिश करूँगा कोई
अच्छी सी कोई लास्ट एपिसोड की या कोई बैटल की वीडियो लेके आऊँ। सो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।